अस्सलाम वालेकुम सामफा, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है 28 जुलाई और मैं ऑलमोस्ट 4-5 महीने के बाद इस फॉर्मेट में वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे वीडियोस अभी पड़े हुए हैं एंड अब मेरे पास टाइम है बिकॉज आई एम वर्किंग फ्रॉम होम एंड मेरा बेबी भी थोड़ा सा समझदार हो गया है। उसे मतलब संभालना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल मैं थोड़ा बहुत टाइम जो है वो चुरा कर आप लोगों के लिए वीडियोज एडिट करूंगी। सो हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ गए हैं और आपकी हेल्प के साथ साथ हम और आगे बढ़ जाएंगे। सो लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। तो नाउ एंजॉय द व्लॉग एंड स्टे ट्यून्ड। ओके, सो आज हो गई है 28 जनवरी और आज है नायला का मायू। सो अभी दोपहर का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि वहाँ पे सारे गेस्ट आने लग गए होंगे। और ये है आज का मेरे बच्चों का आउटफिट, दिखाओ तो। सो हम लोग घर पहुंच गए हैं और यहाँ पर शाम के फंक्शंस की तैयारियाँ हो रही हैं और जो भी हल्दी प्लेटर वगैरह जो हमें रेडी करना था उसकी प्रेपरेशन हम लोग कर रहे हैं। सो आज नायला और फौजान मतलब भाई बहन दोनों की हल्दी एक साथ है, तो यहाँ पर उसी की सारी प्रेपरेशन चल रही है और दोपहर का टाइम है, तो पहले हम सब ने खाना खाया और जब तक लास्ट मिनट ये पार्लर सेशंस ना हो तब तक कि हमारी इंडियन फैमिलीज इनकम्प्लीट हैं। सो मैं बहुत टाइम के बाद मेहंदी लगा रही हूँ, जब तक अम्मा इसको बहला रही थी तब तक मैंने ये गुड़ गोबर से मेहंदी अपनी खाला के लगाई। सो अभी बज रहे हैं 4, काफ़ी सारी डेकोरेशन ऑलरेडी हो चुकी है, कुछ कुछ अभी चल रही है। नायला पार्लर में है और फौजान के भी कपड़े वगैरह सेट हो रहे हैं और मैंने कर दिया है जिदान को रिफ्रेश। तो अभी हम लोग वापस घर जाएंगे, तैयार होंगे, उसके बाद आएंगे, क्योंकि बच्चे का सामान वगैरह एक साथ में लेकर आना बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। सो फिलहाल के लिए चलते हैं घर और फिर तैयार होकर फिर वापस आएंगे और फिर से मज़े दिखाएंगे। तब तक की ये है अपडेट। हाँ, वेरी गुड। और ये है आयजा, मेरी लिटिल व्यूअर। हाय, ये है मेरे जिदान का आउटफिट और उससे पहले इनका ये कार्यक्रम हो रहा है जो कि बहुत ज़रूरी है। सो ये मेरा आउटफिट है, ये एक बहुत ही प्यारा सा फ्लेयर्ड गाउन है येलो कलर का और उस पर ये दुपट्टा है जो मेरी मेहंदी का है और ये गाउन सिला हुआ है वन एंड ओनली मेरी जानी दुश्मन मेरी माँ ने, जो कि हमेशा से मेरे कपड़े सिलती आई हैं और लास्ट मिनट सिलती आई हैं। मतलब ये मेरे को अभी शाम में पहनना था और इन्होंने सुबह में ये फिनिश किया है, बट शुक्र है चलो मौके पे पहन लेते हैं। तो अभी पहले इसको पहनते हैं और उसके बाद बाकी की चीज़ें निकालते हैं। सो ये है मेरा फाइनल लुक और ये मैंने पहन लिया है, ये मेरा मेकअप है और इयरिंग्स मैं ये वाले पहनने वाली थी बट लास्ट मिनट पे एक की ऐसी डंडी निकल गई, सो मेरे को ये चेंज करना पड़ा जो मेरे बहुत पहले के यहाँ पर शुक्र है रखे हुए थे। तो ये मिसहैप्स जो है वो जाने से पहले कहीं होने बनते ही बनते हैं। ये मेरी रिंग्स हैं, ये हैं चूड़ियाँ, मैं बहुत ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, तो ये है। और बस अब मैं दुपट्टा डालूँगी और यहाँ से निकलते हैं क्योंकि 8 बज गए हैं और बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। और ये है मेरी पोटली, सो जस्ट गेट लॉस्ट। और अब यहाँ पर लग रही है दूल्हे के हल्दी और हमारी रस्म की बारी है। तो रसम करके खाना खा लिया है और अब ये वापस बरेली जा रहे हैं किसी ऑफिस की वजह से और अब करते हैं मस्ती।
बाद अब मॉम ड्यूटीज पे। सो दानू बाबा उठ चुके हैं और ये कपड़े में बहुत उलझ रहा है, इसलिए मैं फटाफट से जा रही हूँ, इसको चेंज करूंगी और फिर थोड़े सुकून से खाना पीना खा के और फिर इसको सुलाने की कोशिश करूंगी। सो सब लोग डिनर कर चुके हैं, मेहमान ऑलमोस्ट जा चुके हैं, रात के 11-12 बज रहे हैं और यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। जो मतलब खाला वगैरह लोग कपड़े लाते हैं ना घर के लिए, लड़की लड़के के लिए, वो सारा हम लोग एक दूसरे को दे रहे हैं। मैंने अपना गिफ्ट सब नायला को ऑलरेडी दे रखा था और फौजान को भी दे रखा है। तो ये सारा सामान है जो नायला की ससुराल से आया हुआ था आज हल्दी वगैरह के लिए। और यहाँ पर ये है इनका केक जो हम लोग कट नहीं कर पाए थे, सो अब हम लोग खा रहे हैं और ये था हमारा आज का फेवर। ओके, सो मांझे का मेरे पास इतना ही कंटेंट था। अब कल सुबह शादी है सो हम लोग उसका वीडियो एंजॉय करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड आई थिंक आई शुड टेक लीव नाउ अंटिल मीट अनदर टाइम। अल्लाह हाफिज़।